सो टैक्स का सीजन आ चुका है और आप सब सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में टैक्सेस का क्या सीन है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक हम जानेंगे सिंपल तरीके से पूरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्स का सिनेरियो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर पार्टनर्स। सो जनवरी का महीना है एंड ऑब्वियसली आपकी HR टीम आपके पीछे पड़ी होगी टू फर्निश ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। वहीं आप कंफ्यूज होगे कंबक टैक्स इतना कट रहा है, बचाए तो कैसे बचाए? वेल, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं हमारे वीडियो के पार्टनर्स क्लियर टैक्स, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टैक्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। वो लेकर आई एक धमाकेदार ऐप जिसका नाम है ब्लैक। अब आप आपकी इनहैंड सैलरी इंक्रीज कर सकते हो बाय 46,800 रुपीज एंड सेव कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इनटू वेरियस सेक्शंस लाइक ATC, ATD एटसेट्रा। अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा ELSS फंड में पैसा लगाए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, तो आप टैक्स सुपर सेवर पैक इनका चेक कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो कितना HRA आपको टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकते हो, तो इनका HRA कैलकुलेटर यूज कर लो। और अगर आपको फाइंड आउट करना है टॉप ELSS फंड्स बेस्ड ऑन लास्ट 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस, तो आप वो भी यहां पर पा सकते हो। 51 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्सेस ये लोग अपने यूजर्स का बचा चुके हैं। और जी हाँ, 50 प्लस टैक्स सेविंग टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। सो किस चीज का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड करो ब्लैक बाय क्लियर टैक्स एंड आपकी सेविंग्स गारंटीड है। भोली वाली ओके आ गए। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन और हम समझेंगे इनकम टैक्स फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एकदम सिंपल तरीके से, एकदम मक्खन के माफिक अपन समझेंगे। जो लोग यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान लेने आए हैं तो कृपया करके एग्जिट कर लीजिए। जो लोग सिंपलिसिटी के साथ समझने आए एकदम एंड तक टिके रहिए। तो चलिए, तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि यार क्या माजरा होता है इधर इनकम टैक्स का और ये सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से जाएंगे, व्हाट आर द टैक्स टाइप्स, कि एक स्टॉक मार्केट प्लेयर चाहे वो इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मार्केट में ना ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। हम पहले इक्विटीज़ के बेसिस पे बात करेंगे। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वैसे मेरे जो प्यारे भाई बंधु हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, उसके लिए मैंने इंग्लिश में ये पूरा PPT बना दिया है। थोड़ी मेहनत लगी बट ठीक है, एंड मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, मैंने मेरे दिमाग से नहीं आया, बिकॉज टैक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी जगहों से रेफरेंसेज लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अगर आज आप गए स्टॉक मार्केट में, गए आपने ऑर्डर पंच किया टाटा मोटर्स के लिए, टाटा मोटर्स आपने बाय कर लिया और इस टाटा मोटर के शेयर को आपने 365 डेज के बाद, मान लेते 400 डेज जब होगा उस दिन बेचा, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। मतलब जब भी आप किसी शेयर को बाय कर रहे हो और उसके बाद एक साल से ज्यादा उसको होल्ड कर रहे हो, तो उस पर जो गेन बोलते हैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ? उसका उल्टा। एक साल के पहले, 365 दिन के पहले अगर आपने बुक कर लिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब ये मत पूछना सर लीप ईयर हुआ तो हम 366 डेज पे बेचें या 365, ये बकवास वाला सवाल मत पूछना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी मेरे भाई बंधु बहुत बार कमेंट्स में पूछते हैं कि मैंने इतना बनाया तो क्या मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, इतना बड़ा कंफ्यूजन है, यूट्यूब पे वीडियोज ने कंफ्यूज कर दिया। थांबा, आसानी से मैं आपको समझाऊंगा सब। तो आप एक चीज समझ लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी आपको टैक्स तभी भरना है, ध्यान से सुनिए, तभी भरना है जब आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपीस के ऊपर गया है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है, लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 365 डेज तक होल्ड किया, लेकिन आपका जो प्रॉफिट निकल रहा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो 70,000 है, तो क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर? नहीं। 1 लाख के ऊपर आपको 10% लगेगा। तो पहली चीज आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल बाद जब उसको बुक करते हैं और जो पूछते हैं भैया मेरा 5,000 का गेन हो गया, 10,000 का हो गया, क्या मैं बुक करूं? नहीं, लेकिन पहले कंक्लूजन में जंप मत करना, एंड तक देखो, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और कैसे लॉसेज होते हैं ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में क्या सीन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 15% आपकी गेन पे लगता है। मतलब अगर आपने एक दिन बाद भी बेचा, आपने 15 डेज बाद भी बेचा, या आपने 361 डे पे भी बेचा, तो आपको कितना? 15% अपने प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। मतलब आप 10,000 बनाओ, 5,000 बनाओ, 15,000, जितना भी बनाओ भाई, आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर पॉइंट है, क्या यहां पर भी हमको 1 लाख तक एग्जेम्पशन मिलता है? नहीं मिलता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते, बोलते कि हमको तो भरने की जरूरत नहीं। यू आर लीगली ऑब्लीगेटेड टू पे। अगर आपने
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर करके भी 20,000 का भी प्रॉफिट बनाया तो उसमें 15% आपको लीगली तो सरकार को देना पड़ता है, वो बात अलग है 95% लोग नहीं भरते, बट लीगली यू आर एंटाइटल टू पे। तो हमने पहली चीज तो इक्विटी के बेसिस में ये कर दी। अब फन फैक्ट, सम सीएस विल आस्क ऑलवेज टू होल्ड द गेन्स अबव 365 days, एनी गेसेस व्हाई? वेल, अब मैं बता चुका हूँ, बिकॉज आप सिंपल सा सोचो, आपका प्रॉफिट आपने शेयर्स खरीदे, लेट्स से आपने NMDC खरीद लिया, भेल खरीद लिया, डिस्क्लेमर प्लीज रेफर योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, दीज आर नॉट, समझ जाइए। तो अब मान लीजिए आपने ये किया और आपका गेन हो रहा 90,000, अब आपने 360th day पे सोचा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है कल के दिन, बेच देता हूँ, तो आपका सीए आपको रोक देगा, मत बेचो। बोले क्यों? बोले अगर आप 5 दिन और टिक गए, छठे दिन तक अगर आप रह गए तो आपको इस पूरे अमाउंट में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 90,000 है। हमने क्या बात करी थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 के ऊपर के प्रॉफिट पे 10% लगेगा, तो ये तो पहली चीज वहां पर सेफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आज के दिन ने बुक कर लिया गर्लफ्रेंड के बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो 15% तो जाना ही है ना जनाब, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, पूरा 90,000 पर लग जाएगा। तो भाई वो पैसा बचा लो, गर्लफ्रेंड को बाद में मना लेना, और अच्छा है CCT की जगह मैरियट ले जाना उसी पैसे से जो बचेगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, मनी मैनेजमेंट। तो ये इसलिए आपके CAs बहुत बार इस तरह से आपको इंसिस्ट करेंगे। अगर आपका CA नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर समझते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, हाँ ये भैया बहुत ही जाहिर सवाल है, बहुत कमेंट्स में आते हैं कि भैया अपना प्रॉफिट ही नहीं, अपन तो लॉस में है, तो लॉस का क्या करें? उसके लिए भी हैं सुविधाएं, प्रबंध किया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस इफ फाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन द टाइम कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 consecutive years, एंड ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ अगेंस्ट एनी गेन्स मेड इन दोज ईयर्स। इसको आप अगर ध्यान से समझते हैं तो इसका मतलब क्या है? पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जैसे आज लिया परसों बेचा कल बेचा जब भी बेचा, उसमें आपके जो लॉसेस है वो टोटल आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको पर आपको सही टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, ड्यू डेट के पहले, जो इनकम टैक्स की फाइलिंग की रहती है उसमें ड्यू डेट के पहले करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह कि दिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी गेन्स मेड इन दोज ईयर्स, मतलब अगर मान लीजिए इस साल आपका लॉस हो गया लेकिन अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो उनका नेट निकाल के आप टैक्स पे करोगे, पूरे पे अगले साल नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपने ये रिपोर्ट किया है। तो दिस गिव्स मी अनदर रीजन फॉर दोज पीपल हु आस्क कि हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे तो क्या रहेगा। भैया रिपोर्ट कर दो, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इफ यू आर रिपोर्टिंग इट, क्लियर है? नेक्स्ट चीज, पर ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का कि भाई हम ट्रेड करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म में भी तो लॉस होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 250 में येस बैंक लिया, उसके बाद 4 साल बाद उसने लॉस बुक करा, तो वो लॉन्ग टर्म लॉस हो गया। या फॉर दैट मैटर आइडिया लिया था किसी ने 100 पे, उसने बुक करा, तो वो तो लॉस हुआ ना, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन नाउ, अब वो भी कर सकते हैं LTCG जब से इंट्रोड्यूस हुआ, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेंस। तो याद रखिए दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म, मतलब टाटा मोटर एक 380 डेज तक होल्ड किया उसको हम सेट ऑफ कर दे, वर्सेस NMDC जो हमने सिर्फ 120 डेज, नहीं वो नहीं, 120 डेज मतलब शॉर्ट टर्म वाले को शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट ही कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट, और लॉन्ग टर्म को हम लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली, देखिए इधर वर्ड है ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, सिंपल है? तो हमने लॉन्ग टर्म को भी कर दिया शॉर्ट टर्म। तो ये आपको एक और रीजन देता है दोस्तों क्यों आपको फाइलिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए, बिकॉज आप लॉस कर रहे हो फाइलिंग नहीं कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में जब आपका टर्नओवर का कुछ इशू होता है तो आपको नोटिसेस भी आ सकती हैं, और इसलिए काफी लोगों को आ जाती हैं कि यार ये सीन हो गया वो सीन हो गया इस चक्कर में। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट चीज। अब हम देखते हैं कि ये चीज, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट और लॉस इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हाँ तो ये तो हमने बात कर ली कैश की, बट व्हाट इफ अगर हम FNO में ट्रेड करते हैं, भाई उसका क्या, ऑप्शंस में ट्रेड किया फ्यूचर्स में ट्रेड किया, उनको हम चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम इसको हमेशा कंसिडर क्या करते हैं, हम इसको हमेशा कंसिडर करते हैं बिजनेस इनकम। क्या बोलते हैं? बिजनेस इनकम, इसको बिजनेस की तरह, तभी बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, तो इसको हम बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, एंड इट इज शोन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन। तो वही
हेडिंग जिसके अंदर एक फ्रीलांसर अपना वो डालता है, एक बिजनेसमैन डालता है, उसी हेडिंग के अंदर ये आता है इन द ITR. इट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन अ सेपरेट कंपनी फॉर डीलिंग इन FNO ट्रेड्स. आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं है. कोई इंडिविजुअल भी डील कर सकता है FNO में, सैलरीड इंडिविजुअल भी और सीनियर सिटीजन पे. तो ये भी एक बहुत लोगों का सवाल आता था कि क्या ये लोग भी ट्रेड करते हैं, सीनियर सिटीजन, क्या वो लोग ट्रेड करते हैं, क्या बड़े लोग ट्रेड करते हैं. द आंसर इज ऑफ कोर्स वो लोग करते हैं. तो उन लोगों को हमेशा एक बिजनेस इनकम दिखानी पड़ती रहती है. तो अब हमने कैश वाले की तो बात कर दी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे करना है, शॉर्ट टर्म कैसे करना है. बाय द वे दोस्तों, अगर आपको टैक्स रिलेटेड या इस तरह के इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स पे और इस तरह के वीडियोज और मिनी वर्कशॉप्स चाहिए, तो वी आर गोइंग टू टारगेट 15,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. अगर आ जाता है तो मैं समझ जाऊँ, उससे हिंट मिलती है कि हाँ आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है. और अगर टैक्सेस रिलेटेड ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में टैक्स लिख देना, TAX. बहुत लोगों को स्पेलिंग भी नहीं आती है, उनकी गलती नहीं है, बहुत बार हो जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया. तो अब हम बात करते हैं टैक्सेस रिलेटेड और चीज़ों के. अब टैक्सेस को ना आप दो बड़े हेडिंग्स के बीच में रखते हो. कौन सी हेडिंग्स है? स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव. आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ट्रेडर्स आर स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेट करते रहते हैं. स्पेक्युलेट मतलब बाय सेल. एक तरीके से स्पेक्युलेट इज अ फॉर्मल वर्ड फॉर प्रोफेशनल गैम्बलर. असली में तो ये रहता है, बट हम दिल को लगेगी तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे. तो स्पेक्युलेटिव क्या होता है कि इनकम फ्रॉम इंट्राडे इक्विटी इज कंसिडर्ड अ स्पेक्युलेटिव. जब आप इंट्राडे कैश में टाटा मोटर्स को BSE या NSE में बाय सेल इंट्राडे में करते हो तो स्पेक्युलेटिव होता है. और नॉन स्पेक्युलेटिव में FNO की जो भी ट्रेडिंग हो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप पोजिशनल करो, चाहे आप हेजिंग करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन लग गया तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव आ गया. और ये नॉन स्पेक्युलेटिव को आप बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करते हो. मतलब अगर आपका बाहर का भी बिजनेस है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई गिव यू सम हिंट्स फ्रॉम माई एग्जाम्पल. तो जब मेरा नेट इनकम कैलकुलेट होता है, पूरा इनकम कैलकुलेट होता है, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट होता है, तो उसमें मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी लगते हैं, बिकॉज मैं ट्रेडिंग में काफी बार FNO करता हूँ, मैक्सिमम टाइम FNO करता हूँ, तो वो लगता है. प्लस मेरा बिजनेस इनकम लगता है, प्लस यूट्यूब से हल्का पुल्का जो आ जाता है वो लगता है, प्लस स्पॉन्सर से जो आ जाता है वो लगता है, प्लस मेरे स्टार्टअप की इनकम से जो आ जाता है वो लगता है, प्लस उसके अलावा मैं जो कंसल्टिंग से लाता हूँ वो लगता है. तो ये सारा इनकम वहां पर ऐड होता है, प्लस जो 5-6 और हो गए वो सारे ऐड होते हैं मेरे इनकम पे, बिकॉज ये बिजनेस वाले इनकम है. ठीक है, तो ये नॉन स्पेक, तो उसमें FNO वाला भी ऐड होता है. तो ये आपको एक चीज समझनी है, टोटल इनकम यहां पर आपके ऐड होते हैं. अब यहां पर समझिए, स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम हैज टू बी एडेड टू ऑल योर अदर इनकम. तो अगर आप सैलरीड भी हो, बिजनेस भी नहीं करते हो, सैलरीड भी हो, तो भी ये ऐड होता है. और यहां पर एक चीज है कि जब हमने कैश की बात करी तो हमने क्या किया, उसमें एक फिक्स था कि भैया इतने के ऊपर गया तो 10%, इसके अंदर है कितना भी है तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. बट यहां पर आपके इनकम स्लैब के बेसिस पे कैलकुलेट होता है. जो आपके इनकम स्लैब है ना, 5 लाख तक कुछ नहीं, उसके ऊपर जैसा जैसा है, ये हर साल चेंज होता रहता है. तो आई डोंट नो, मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो पीपल विल व्यू दिस वीडियो. तो आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय का स्लैब देख लो, उस बेसिस पे आप ये चीज कर सकते हो. नाउ आई गेस ये कुछ रेफरेंसेज मैंने क्लियर टैक्स से भी लिए हैं, वैरसिटी से भी लिए हैं, हर जगह से लिए हैं. जस्ट ट्राई टू कंपाइल इट ताकि ये आपके लिए ईजी बन जाए. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, भैया खर्चे का क्या है. तो पहले देखिए, लाइक एनी अदर बिजनेस, वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फॉर FNO ट्रेड्स, यू आर अलाउड टू डिडक्ट एक्सपेंसेस. बिकॉज मैंने क्या बात करी, इसको हम बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं. तो जब हम बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे मेरे बरखुदार दोस्त, तो हम इसको यूज कर सकते हैं FNO ट्रेड से डिडक्ट करने के लिए. अब क्या क्या हो सकते हैं, रेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑफिस में लेके रेंट लेके, बिकॉज आजकल ट्विटर पर बहुत लोग फोटो डालते हैं हम रेंट लेके ये कर रहे हैं, जो भी हो, सो वो लोग उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं. अगर आप जिस मोबाइल फोन से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसका भी एक्सपेंस ले सकते हो, अगर वो सही में आपके बिजनेस पे हेल्प कर रहा है. टेलीफोनिक एक्सपेंसेस, इंटरनेट चार्जेस, ब्रोकर्स कमीशन, डीमैट अकाउंट चार्जेस भी ले सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप, जिस लैपटॉप से आप ट्रेड कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो. कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मेरी कंसल्टेंसी लेता है वो मेरे को चार्जेस देता है, तो वो भी वो क्लेम कर सकते हैं, एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं. बट एक चीज़ याद रखे, लीगली यू हैव टू मेंटेन रिसिप्ट्स एंड बिल्स ऑफ ऑल सच एक्सपेंसेस. और 10,000 रुपये से ज़्यादा आप कैश में मत दो, वो तो इन जनरल भी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है. अब मेरे को एक इंटरेस्टिंग है, मैंने एक शॉर्ट बनाया था टैक्स पे, तो उस पर कुछ लोगों ने बोला था, एनीवन हु विल अर्न 2-3 crore rupees ही वुडंट इवन बदर अबाउट दीज. भाई साहब, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वो लोग कमेंट करते हैं जो उस लेवल पे पहुँचे नहीं है. जब आप
5 करोड़ रुपए कमा लोगे ना, हमको पता है सर जो दर्द होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए भी आप उस साल में कमा लेते हो, जब पूरे अमाउंट पे सरचार्ज पड़ जाता है ना, तब अपने आप व्यक्ति ढूंढने लगता है नए नए तरीके सीएस के साथ मिलके कि वो किस तरीके चीजों को बचा सके, बिकॉज इनजस्टिस हो जाता है। जस्ट इमेजिन 1 लाख रुपए बढ़ जाता है और आपको पूरे अमाउंट पे सरचार्ज देना पड़ता है। सेम गोज 1 करोड़ के ऊपर भी जाओगे तो वही वाली चीज है। तो भाई देर इज अ रीजन वाई जो ये टैक्स के ऊपर नीचे की भी चीज होती है ना, छोटे व्यक्ति नहीं करते या फिर नॉर्मल व्यक्ति नहीं करते, वो सारे बड़े लोग करते। क्यों? बिकॉज दे नो कि कुछ चीजें थोड़ी अनइवन है पूरे टैक्स सिस्टम पे। तो एवरीथिंग मैटर्स, और हर बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर भी सारे एक्सपेंसेस जितने हो सकते हैं क्लेम, ऑल दो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज लीगली देखा जाए तो हमारा हर चीज पैन कार्ड पे रिकॉर्डेड रहता है, ऑनलाइन रहता है, बट हाँ जितना हो सकता है जितना हम एंटाइटल्ड हैं वो हम क्यों ना करें, बिकॉज नो वन वुड एंजॉय कि भाई तुम साल भर में 6-7 करोड़ रुपए कमाओ और उसके बाद नेट सारा टैक्स वैक्स जीएसटी कटने के बाद आपके 2.5-3 करोड़ बचे। ऑब्वियसली पीपल वॉन्ट कि जितना हो सके अपन बचा सके, आफ्टरऑल पूरी मेहनत करिए, राइट? सो ये वाली चीज है। तो एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो किसमें? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, प्लेन एंड सिंपल। अब सवाल है कौन सा अपन ये करेंगे, बिकॉज ये बिजनेस इनकम है तो ITR 3 आप यहां पर फिल करते हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल भी, आप सैलरीड इनकम भी हैं, तो अदर सोर्सेज करके आप FNO का इनकम इन ITR 3 आप भर सकते हो। तो काफी लोगों का सवाल रहता था यार कौन सा ITR भरा जाए, कौन सा ITR भरा जाए, तो ITR 3 भर दीजिए। अब एक कॉशन बहुत इंपॉर्टेंट, FNO में अगर आपका लॉस होता है, ध्यान से सुनना, आप में से काफी सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी टू रिपोर्ट एनी लॉसेस इनटू योर ITR। आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं अरे लॉस ही है क्या भरेंगे, ITR छोड़ो यार छोड़ो, नहीं मैंडेटरी है। अगर किसी दिन टैक्स वालों का नींद खुला ना, वो आपको नोटिस भेज सकते कि भाई ये इतना टर्नओवर था, ये रिपोर्टिंग कहाँ गया, क्या गया, और पेनल्टी वेनल्टी लग सकती है अगर आपने सही से टैकल नहीं करा। तो एनी लॉसेज इनकर ड्यूरिंग FNO वो सेट ऑफ कर सकते हो एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। तो मान लीजिए कि काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि उनकी, वी आर नॉट पिनपॉइंटिंग एनीवन, ठीक है, तो उनकी ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग में मान लो उनका लॉस होता है लेकिन उनका कोई दूसरा एवेन्यू होता तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेते हैं। तो लाइक वाइज आपको ये समझना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका एक बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम लेट्स से आपके एक किराने की दुकान है, वहां से 10 लाख रुपीज आपने कमाए लेकिन FNO में 5 लाख का लॉस कर दिया, तो आपको नेट जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 5 लाख रुपीज पे भरना पड़ेगा। डिस्क्लेमर, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया तो कॉन्ट्रोवर्सी मत करना। हाँ, तो ये वाली चीज हो गई आपके कॉशन पॉइंट पे। अब क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, ये भी लोगों का सवाल होता है। लीगली अगर आप 2.5 लाख रुपए से कमा रहे हो, 17-18 के बाद से ये प्रोविजन कर दिया गया, पहले 1,20,000 था फिर 2,50,000 हो गया, तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन एक आजकल कैच क्या हो गया कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स वेल इक्विप्ड हैं, काफ़ी अच्छे उनके कैलकुलेटिव मॉडल्स हैं, बैकएंड से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हो, तो बहुत लोग नहीं करते, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क ऑन द ट्रेडिशनल मीन्स, तो वो करते हैं। और अगर आपका टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स आर मोर देन 25 लाख रुपीज फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम 2017 to 2018, तो वो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से बैकएंड में आपको सारा डेटा मिल जाता है तो ये इतना ज़्यादा कंबरसम नहीं है। एंड फाइनल क्वेश्चन जो आप लोगों को था, ऑडिट कब कराएं? ऑडिट 2 करोड़ प्लस के ऊपर टर्नओवर, बाय सेल वालों टर्नओवर जो अगर आपका निकल गया है तब आपको ऑडिट करवाना है, स्पेसिफिकली अगर आप FNO पर ट्रेड कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया जितना आपको पता होना चाहिए अबाउट वेरियस टैक्सेस, किस तरह से इस पे चीजों पे ध्यान दिया जाए। और मैंने ये भी बता दिया अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन से क्लियर टैक्स को चेकआउट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है ब्लैक का। और आशा करता हूं आपको ये प्रयास पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक बटन को दबा दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। बड़े दिनों बाद पूरा बोला है बट ठीक है, अभी भावनाएं समझ जाओ।